कौन सी होती है? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तो इनके बारे में हम आपसे बिल्कुल डिटेल से हम आपको बताएंगे, लेकिन सिर्फ आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, तभी आप उसे सीख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आते हैं तो उसमें आप अच्छी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन अपना दिमाग का भी अभ्यास करना, जिसको हम कसरत बोलते हैं, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं सम संख्या। किसे कहते हैं सम संख्या? जिसको हम क्या बोलते हैं? और एवन नंबर। क्या बोलते हैं? एवन नंबर। सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे सम संख्या, जो संख्या दो से भाग हो, जो संख्या दो से भाग हो उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या, सम संख्या कहते हैं। तो ये है। अब उसके बाद में है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं जो संख्या मैं आपसे कह रहा हूँ, वीडियो को सिर्फ एंड तक आपको जरूर देखना है, जो संख्या दो से भाग न हो उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसमें सम संख्या कौन सी होती है? जैसे दो है, चार है, छः है, आठ है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा? 3 है, 5 है, और 7, 9, 11, 13। तो ये किस में जाएंगे? विषम संख्या के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद हम बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या, जिस संख्या के कोई टुकड़े हो जाएं, गुणनखंड, जो संख्या किसी से भाग हो जाए, जो संख्या किसी से भाग हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे है 9 है, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। 15 है, इसे छोटी संख्या भी है। जैसे 4 है, क्योंकि 4 तो किसे? 2 से भी भाग होता है। 6 है, 6 2 से भी भाग होता है, इसमें 6 भी आएगा, तो 6 ले लेते हैं हम, क्योंकि 2 से ही भाग हो जाएगा, 3 से ही भाग हो जाएगा। तो जो संख्या किसी से भी अगर भाग हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जो संख्या अपने आप से भाग होती है, अपने आप से भाग होती है या किसी से भाग न हो, किसी से भाग न हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए उदाहरण लेते हैं हम, जैसे 3 है और 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, जैसे 19 है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक था। अगर दो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और बेल प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल सके। और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं।